एवरीवन, आई एम गौरव गुप्ता। आई कम बैक अगेन विद अ न्यू लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर 14। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.4। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगेन बिफोर टू स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। नाउ लुक एट द बोर्ड। दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी सिंपल। इट जस्ट बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस। What is the type of question? Please look at the board. Question number 1. Find and correct the error. आपको find करना है और correct करना है the error. तो सबसे पहले check करना है, इसने ये कहा ये this one is your left hand side and this one is the right hand side. तो ये आपकी left hand side है and this one is your right hand side. तो आपको check करना है कि ये statement true है या नहीं है। इट मीन्स ये सॉल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहां से लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट 4 × x − 5। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे होता है कि फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से भी होगी और सेकेंड टर्म से भी होगी। इसका मतलब 4 × x − 4 × 5। तो रिजल्ट क्या बन गया आपका 4x − 4 × 5 कितना होता है 20। क्या ये 4x − 20 है? नो। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज क्या है आपका 4x − 20। दैट इज द फाइनल आंसर। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। इट्स सो इजी, आप कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेकंड क्वेश्चन, अब चेक करना है ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो रूल वही रहेगा, स्टेप सेम रहेंगे। ये हमारे क्या है लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज राइट हैंड साइड। हम चेक करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट x × 3x + 2। अगेन सेम x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे क्या बन जाएगा 3। वेरी कॉन्स्टेंट है x × x, x² प्लस जब हम x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो x × 2 क्या बन जाएगा 2x। क्या ये वैल्यू इक्वल है? नहीं, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ पर सिर्फ क्या है 2। इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट 3x² + 2x, दैट इज द आंसर। सेम हेयर यहाँ देखिए, क्या ये इक्वल टू है या नहीं है? इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे और दिस वन इज द राइट हैंड साइड। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ पे देखिए ये 2 × x है और ये 3 × y है। क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा है? देर इज नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं है एंड आर डिफरेंट। और सारे के दोनों टर्म क्या है आर डिफरेंट टर्म्स। तो डिफरेंट टर्म्स है तो ये ऐड तो नहीं हो सकते। इसका मतलब यही आपका आंसर है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में इसको ऐड कर दिया 2x + 3y। अब 2 horse and 3 donkey दोनों डिफरेंट चीज है, कैसे ऐड हो सकती है? नहीं ऐड हो सकती। इसका मतलब ये रिजल्ट गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर भी क्या आएगा? यही आंसर आएगा आपका 2x + 3y, दैट इज द आंसर। तो आपको पता लगाना है कि क्या मिस्टेक है इसमें और इसको करेक्ट करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहते हैं x + 2x + 3x = 5x? क्या ये है? नो, क्योंकि आपको यहां से सिंपल सा दिखाई दे रहा है। ये x का मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करते हैं, x मीन्स 1 × x, दिस वन इज 2 × x, दिस वन इज 3 × x। अब आपको पता है सेम टर्म है x, तो ये ऐड हो जाएगी। तो ये 1 + 2 = 3 + 3 कितना हो गया 6 और 6 × x, इसका मतलब आपकी टर्म क्या आएगी 6x आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 5x, इसका मतलब नॉट इक्वल टू RHS। तो करेक्ट आंसर इज क्या आएगा 6x। सिमिलरली यहाँ पे ये कितना है 5y + 2y + y - 7y, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड।
एंड दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड. अब यहाँ देखिए 5 + 2 7 + 1 कितना बन गया 8y और ये माइनस के 7y दोनों y पाई है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो 8 माइनस 7 क्या आ गया 1 इंटू वाई और 1 इंटू वाई को आप सिंपली क्या लिख सकते हो ओनली y इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू क्या है RHS तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा y y इज योर करेक्ट आंसर तो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the board. Question number 6. This one is our left hand side, right hand side. हमारे left hand side क्या है? 3x + 2x. इसका मतलब 3 × x और 2 × x. दोनों टर्म x x वाली है तो 3 + 2 क्या बन गया? 5 × x. 5x हो गया. और यहाँ पे क्या है? 5x² क्या ये equal है? No. ये भी equal नहीं है. इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 5x. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ 2 और इनटू में x कंप्लीट का स्क्वायर है तो आपको पता है ये कंप्लीट का स्क्वायर है तो आप इंडिविजिबल का स्क्वायर लिख सकते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दिस वन इज 2 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन आपको पता है 4 के मल्टीप्लाई क्योंकि देखिए जब मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल वेरिएबल से लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए यदि डिफरेंट वेरिएबल है तो वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही आएगा तो यहाँ 4 × 2 कितना बन गया 8x और दिस वन इज 6 अब 2² = 4 एक्स का स्क्वायर इज व्हाट x² प्लस में 8x प्लस में 7 तो देखो यहाँ 2x² है और यहाँ 4x² इसका मतलब नॉट इक्वल टू RHS इसका मतलब जो करेक्ट आपका आंसर है वो क्या आंसर है 4x² प्लस में 8x प्लस में 7 दैट इज द फाइनल आंसर. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या काउंट होगी वैसे तो ये राइट हैंड साइड है हमारी इसने एक टर्म और बना दी मिडिल टर्म हम अपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट 2x² प्लस में 5 × x यहाँ कंप्लीट का स्क्वायर है तो आप इंडिविजुअल का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में 5 × x 2² = 4 x² = x² प्लस में 5 × x क्या ये इक्वल है इट मींस दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इट मींस आपका करेक्ट आंसर इज व्हाट 4 × x² + 5 × x दैट इज द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ 3x + 2 का होल स्क्वायर आपको पता है किससे मैच करता है ये तो आइडेंटिटी से मैच करता है और आइडेंटिटी भी कौन सी फर्स्ट क्या थी a + b होल स्क्वायर क्या रिजल्ट था a² + b² प्लस 2 × a × b और कंपैरिजन करना आपको आता है यहाँ पर a यहाँ पर हमें क्या मिल गया 3x और b यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2 पुट कर दीजिए a की वैल्यू 3x² प्लस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a 3x और b आपका 2 अब कंप्लीट का स्क्वायर है तो आप अलग अलग का स्क्वायर लिखोगे 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 नंबर इज मल्टीप्लाई विद नंबर 2 × 3 = 6 × 2 = 12 और वेरिएबल x एज इट इज अब यहां 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 9 सो दिस बिकम्स 9x² प्लस में 4 प्लस में 12x दिस वन इज क्या है हमारी राइट हैंड साइड क्या ये सेम आई नो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू क्या है आपकी RHS तो करेक्ट आंसर इज व्हाट 9x² ऑर्डर में लिखेंगे तो x की टर्म यहां पहले लिख देंगे 12x + k 4 दैट इज द करेक्ट आंसर तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि x² + 5x + 4 सब्स्टिट्यूटिंग x = -3
आपको x की वैल्यू को -3 पुट करना है और उसने पुट करके ये सोल्व करा और आपका आंसर क्या आया 50, दिस वन इज RHS। तो आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये रिजल्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट है नहीं, इनकरेक्ट है तो आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट करो। रूल सेम है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब आपको कोई वैल्यू दी जाती है तो आप उस वेरिएबल को रिप्लेस कर दो, रिमूव कर दो और उस वेरिएबल की प्लेस पे क्या रखो, उसकी वैल्यू रखो। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो एक्स को रिप्लेस किससे करना है, -3। जहां भी आपको एक्स दिखे वहां क्या पुट कर दो, -3। तो दिस वन इज -3 का स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इनटू एक्स प्लस 4। जहां भी आपको एक्स दिखे वहां रिप्लेस कर दीजिए -3। सो दिस बिकम्स -3 स्क्वायर 5 इनटू -3 प्लस 4। आपको पता है -3 का स्क्वायर, तो -3 का मतलब क्या है, -3 इनटू -3, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट क्या आता है, -5 इनटू 3 15 और दिस बिकम्स प्लस 4। अब 9 भी पॉजिटिव है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, इट मींस पॉजिटिव। 9 एंड 4 कितना बन गया आपका 13, -15, इसका मतलब रिजल्ट क्या आया -2। क्या रिजल्ट -2 है? नहीं, इट मींस ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर क्या है, -2। ऐसे सेकंड पार्ट है, यहां भी सेम इसी का बी पार्ट है, x की वैल्यू को क्या पुट करना है, -3। सो -3 का स्क्वायर -5 इनटू -3 प्लस में 4। अगेन नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9। अब यहां देखिए नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 5 इनटू 3 15 प्लस में 4, सभी पॉजिटिव है। 15 और 9 24 और 4 क्या बन गया 28। और यहाँ क्या गिवन है -2, इसका मतलब क्या है, ये भी नॉट इक्वल टू RHS है। तो फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 28, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10th का सी पार्ट है। सब्स्टिट्यूट क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू -3। तो हम पुट करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इनटू एक्स। अगेन एक्स को पुट करना है -3, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इनटू -3, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 और प्लस माइनस माइनस 5 इनटू 3 15। इट मींस आपका आंसर क्या आएगा -6 और यहां क्या गिवन है -24, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू RHS। तो करेक्ट आंसर इज कितना आएगा, -6। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या गिवन है हमें, y -3 का होल स्क्वायर। और ये देखिए किससे मैच करता है, ये तो आइडेंटिटी से मैच करता है। कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2। सो आइडेंटिटी सेकंड क्या थी आपकी, a -b होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2 इंटू ए इंटू बी, यही रिजल्ट है। कंपैरिजन करिए, ए को कंपैरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू क्या मिली y, जब बी को कंपैरिजन करते हैं तो बी की वैल्यू क्या मिली हमें 3। सब्स्टिट्यूट ए, ए की वैल्यू y, तो दिस बिकम्स y का स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 3। अब आपको पता है y का स्क्वायर तो क्या रहेगा आपका y ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 इंटू 3 6 y। क्या ये इक्वल है y स्क्वायर माइनस 9? नो, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्या है, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board, question number 12. Z plus 5 का whole square is this. This one is our left hand side. Our left hand side क्या है हमारी, Z plus 5 whole square. Whole square तो किससे match करता है, identity number 1, क्योंकि plus है यहाँ पर। तो हम अपनी identity first use करेंगे. Identity first is what? A plus B whole square.
इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। कंपैरिजन करेंगे जब हम यहाँ पे, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई जेड, और जब बी को कंपैरिजन करते हैं तो बी की वैल्यू हमें क्या मिली फाइव। तो नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, ए इज व्हाट, ए इज जेड सो दिस बिकम्स जेड स्क्वायर, बी इज फाइव सो दिस बिकम्स फाइव स्क्वायर प्लस टू इंटू जेड इंटू फाइव। सो जेड स्क्वायर इज व्हाट, जेड स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस नंबर इज मल्टीप्लाई विद नंबर 2 इनटू 5 10 z और दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका, z स्क्वायर प्लस 10 z प्लस 25, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ सिंपल से देखिए कैसे यह मल्टीप्लीकेशन है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 2 इंटू ए प्लस 3 बी इंटू ए माइनस बी, और आपको पता है यहाँ कोई आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही, तो सिंपल सी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करूँ क्या था, जब फर्स्ट टर्म में कंप्लीट से मल्टीप्लाई फिर सेकंड टर्म भी कंप्लीट से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये 2 ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी प्लस फिर 3b की मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब इसी को हम आगे सोल्व करते हैं, देखिए अब 2a की मल्टीप्लाई किससे होगी, सबसे पहले 2a की मल्टीप्लाई a से भी होगी और 2a की मल्टीप्लाई b से भी होगी, तो 2a इंटू ए क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर। अब 2a की b से करेंगे तो क्या बन जाएगा 2ab, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा है। ऐसे यहाँ पे 3b की मल्टीप्लाई a से भी करोगे तो 3ba, और ba का मतलब क्या है a इनटू b, क्योंकि 2 इनटू 3 6 तो 3 इनटू 2 भी क्या होगा 6 ही होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम प्लस के 3ab। अब 3b की b से करेंगे और साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव एज इट इज, b इनटू b क्या बन गया b स्क्वायर और 3 नंबर था तो वो एज इट इज आ गया 3b स्क्वायर। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ ए स्क्वायर की टर्म और तो नहीं है, इसका मतलब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ ए बी टर्म है और यहाँ भी ए बी टर्म है, तो ए बी तो सेम टर्म है, प्लस माइनस हो सकते हैं, ये माइनस का 2 ये प्लस का 3, तो प्लस का 1 रिजल्ट रहा, और 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मीन्स क्या आ गया ए बी, इसको 1 लिखना चाहते तो 1 इंटू ए बी लिख दीजिए, और माइनस के 3 बी स्क्वायर है, इसका मतलब फाइनल आंसर आपका क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, नो राइट हैंड साइड ये थी आपकी, इसका मतलब नो, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस के ab प्लस ओ सॉरी यहां हां माइनस के 3b स्क्वायर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज डू अ करेक्शन हियर, यहाँ माइनस के 2 प्लस के 3 भी था तो प्लस का 1 आएगा, हमने गलती से क्या लिख दिया माइनस का, तो दिस वन इज प्लस ए बी। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, चेक करते हैं सिंपल सी मल्टीप्लाई है ये, तो पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई सभी से फिर सेकेंड की मल्टीप्लाई सभी से, इसका मतलब क्या ऐसे लिखोगे आप इसको a मल्टीप्लाई a प्लस 2 प्लस फिर b की मल्टीप्लाई b इंटू a प्लस 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे a इंटू a, पहले इससे भी और फिर इससे भी, a इंटू a क्या बन जाएगा a स्क्वायर a इंटू 2 a 2 या 2 इंटू a 2a भी लिख सकते हो इसको ऐसे, सेम हेयर b इंटू a या a इंटू b दोनों से लिख सकते हो प्लस b इंटू 2 टू बी, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में सभी आर ऑल थिंग्स आर डिफरेंट तो ऐड तो होगी नहीं, तो इसको एज इट इज भी लिख सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो करेक्ट आंसर इज क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में ab प्लस में 2b, आपको यही आंसर रखना होगा। सेम हेयर यहाँ भी ये दिस वन इज आवर लेफ्ट हैंड साइड
और दिस वन इज राइट हैंड साइड। मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट से करेंगे तो a मल्टीप्लाई a माइनस टू, फिर नेगेटिव 4 से मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस, नाउ a इंटू a क्या आ जाएगा a स्क्वायर, फिर a की मल्टीप्लाई माइनस टू से इट बिकम्स माइनस के 2a। अब देखिए पहले माइनस को एक्चुअली देखिए पहले 4 की मल्टीप्लाई अंदर ले जाइए ताकि साइन चेंज करना है क्योंकि बाहर नेगेटिव है, यहाँ गलती होती है। पहले 4 इंटू के क्या बन जाएगा 4t, 4 इंटू टू 8। अब बाहर क्या है नेगेटिव, वो नेगेटिव यदि बाहर होगा किसी ब्रैकेट के तो उसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस के 2a माइनस के 4a और दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस के 2a और माइनस के 4a, मतलब a a वाली टर्म सेम है तो माइनस 2 और माइनस 4 क्या बन गया माइनस 6, तो आपको क्या रिजल्ट मिला माइनस का 6a प्लस के 8, दैट इज द आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज डू अ करेक्शन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे प्लस 4 है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये प्लस 4 है क्वेश्चन में, हमने गलती से क्या लिख दिया बी। यहाँ पे दिस वन इज 4, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए की मल्टीप्लाई सभी से ए इंटू ए प्लस 2, फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 इंटू ए प्लस 2, सेम हियर a into a और फिर a into 2, so ये a into a क्या बन जाएगा a square और a into 2 बन जाएगा आपका 2a, ऐसे यहाँ 4 into a 4a और 4 into 2 8, तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा आपका a square plus 2 और 4 6 a as it is plus में 8, तो ये क्या है आपका not equal to RHS, क्या equal है ये नहीं, इसका मतलब जो correct answer आएगा वो क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में 6 a प्लस में 8, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां दिखाई दे रहा है आपको सिंपल मल्टीप्लाई ही है, सेव करिए a मल्टीप्लाई किससे होगी कंप्लीट टर्म से a प्लस 2, सेम हियर b की मल्टीप्लाई भी सभी से 4 इंटू a प्लस 2, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। नाउ a इंटू ए ए स्क्वायर a इंटू टू टू ए प्लस 4 इंटू ए 4a प्लस 4 इंटू टू 8, ए स्क्वायर 2a प्लस 4a क्या बन गया आपका 6a प्लस में 8, क्या ये सेम है बिल्कुल नो तो नॉट इक्वल टू RHS, तो करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8, दैट इज द आंसर। सेकंड देखिए 15 क्वेश्चन, a की मल्टीप्लाई किससे होगी a माइनस 2 से, फिर सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई किससे होगी a माइनस 2 से, ये आपकी राइट हैंड साइड और ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब a into a क्या बन गया a स्क्वायर a into माइनस 2 माइनस के 2a माइनस, जब भी नेगेटिव हो तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 into a क्या बन जाएगा 4a 4 into 2a, अगेन नेगेटिव है और इसका साइन जब डिफाइन नहीं है तो इट मींस पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2a दिस बिकम्स नेगेटिव 4a और दिस बिकम्स पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें a स्क्वायर एज इट इज माइनस के 2a माइनस के 4a सेम टर्म है तो माइनस के 6a प्लस के 8, क्या ये इक्वल है राइट हैंड साइड के नो, इसका मतलब दिस वन इज क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16। अब 3x² डिवाइड बाय 3x² इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन जो है वैसे देखने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं क्योंकि सॉल्व करते टाइम वो 3x² को क्या करते हैं 3x² से 3x कैंसिल आउट और आंसर लिख देते हैं 0, तो ये कॉमन मिस्टेक होती है। कैसे, ध्यान से देखिए
हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर और 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कटिंग कैसे होती है यहाँ ध्यान से देखिए, जो मेनली आप गलती करते हो कैसे करते हो, देखो 3 की टेबल से कैंसिल आउट होता है, तो देखिए 3 1 3 1 3 3 1 3 बनाया, अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कट करो, एक्स स्क्वायर को 1 से, एक्स स्क्वायर को भी 1 से, तो 1 इंटू 1 क्या मिला आपको 1 और नीचे भी 1 इंटू 1 1, तो 1 बाई 1 क्या आएगा 1। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सिस्टम को कट कर देते हैं और उसकी जगह क्या लिख देते हैं 0, तो ये कॉमन मिस्टेक है, इसलिए एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे। इसका मतलब ये क्या है आपका नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो आंसर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका 1। ऐसे कॉमन मिस्टेक यहां भी होती है जब आपकी नीचे सिंगल टर्म हो और जो न्यूमरेटर पार्ट है जो वो अपर पार्ट है वहां पर मोर देन वन टर्म हो, तो आप जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है उसको सेपरेटली अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दिस वन इज आवर लेफ्ट हैंड साइड और दिस वन इज राइट हैंड साइड, तो आप इसको जब अलग अलग सेपरेट डिवाइड में लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ईच टर्म के नीचे जो डिवाइड की टर्म है वो सभी के नीचे आएगी प्लस में 1 अपॉन में 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यही सेम स्टेप हो गया कि कंप्लीट पूरी टर्म किसकी टेबल पे गई 1 की टेबल पे गई, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 1 प्लस में ये टर्म तो कैंसिल आउट हो ही नहीं, तो ये टर्म एज इट इज 3 एक्स स्क्वायर, तो दिस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो यही क्या बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर। तो ये स्टेप ऐसा है कॉमन हर जगह यूज होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चनों में गलती करते हैं, तो प्लीज डोंट टू बी रिपीट सच टाइप ऑफ मिस्टेक, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड 18th क्वेश्चन, यहां भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब जो हमने स्टेप सीखा उसी को गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं कि आप इसको अलग अलग 3x f को f कैसे लिख देते हो, इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं 3x अपॉन में 3x प्लस में 3x प्लस डिवाइड में 2। फिर कहेंगे सर आपने कहा था कि हम अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर में नीचे सिंगल टर्म हो और ऊपर एक से ज्यादा टर्म हो तो आप उसको अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हो, यहाँ उल्टा है, यहाँ डिनोमिनेटर में ज्यादा टर्म है और न्यूमरेटर में कम टर्म है तो आप इसको नहीं लिख सकते। तो ये सच टाइप ऑफ मिस्टेक भी आप रिपीट मत करिए, यदि आपको डिनोमिनेटर में मोर देन वन टर्म मिलती है तो उसको आप एज इट इज लिखिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगी 3x अपॉन में 3x प्लस 2 और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है हमारी 1 बाय 2, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगा फर्दर आगे, इसको इतना ही रखिए। सो आपका करेक्ट आंसर भी यही काउंट होगा 3x डिवाइड में 3x प्लस में 2। सेम है यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही है, इसका मतलब क्या है यहाँ भी आपको सॉल्व नहीं करना लेफ्ट हैंड साइड 3 अपॉन में 4x प्लस 3, तो यही आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी क्या थी 1 अपॉन में 4x, तो यहाँ भी आप करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे 3 अपॉन में 4x प्लस 3, इसको फर्दर सॉल्व मत करिए तो देखिए आपके आंसर काउंट होंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 20. This one is left hand side and this one is right hand side. Again, यहाँ number of terms जो numerator में वो ज़्यादा है, denominator में कम है, तो आप इसको अलग-अलग लिख सकते हो। तो 4x divided में 4x plus में 5 divided में 4x. अब 4x 4x के table पे कितना गया? 1 पे. तो यहाँ क्या रहा 1. ये तो फर्दर नहीं कहीं किसी की टेबल पे कट रहे, तो इसको आप एज इट इज लिखोगे। क्या ये इक्वल टू 5 है? नॉट, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे आप इसमें 1 प्लस में 5 डिवाइड बाय 4x, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ऐसे यहां देखिए 7x प्लस 5, सेम हियर 7x डिवाइड बाय 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 5, यहाँ देखिए ये राइट हैंड साइड आपकी। अब ये तो 5 के टेबल पे कट रहा है, 5 बन जा 5
तो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास 7 इंटू एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस 1 रहा यहाँ पर तो 1, बट ये नॉट इक्वल टू क्या है RHS, क्योंकि RHS में ओनली क्या था 7x, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा 7/5 इंटू एक्स प्लस 1। सो प्लीज मेक अ नोट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.4। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, सच एक्सरसाइज वेरी वेरी सिंपल। सो अब हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्टली, और आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक अप टू दिस चैप्टर एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। इसके लिए आपने ज्योमेट्री बॉक्स को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस का करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन सो इजी, तो आप वन बाय वन मेरे साथ ही बनाते भी जाइएगा फेयर नोटबुक में। तो इसलिए अपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल, रबर, इरेजर, शार्प पेंसिल, एक डार्क पेंसिल, एक लाइट पेंसिल, एक डी जिसको आप प्रोटेक्टर कहते हैं, इट मीन्स आप कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स प्लीज भी रेडी कर लीजिए। So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly. Thank you once again.